झांसी मीडिया क्लब के तत्वाधान एवं अध्यक्ष मुकेश वर्मा के नेतृत्व में दर्जनों पत्रकारों ने मंडल आयुक्त के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर बताया कि जनपद ललितपुर में विगत दिनों पत्रकारों पर बगैर विवेचना जांच किए पुलिस मुकदमे दर्ज कर रही है। विगत दिनों एक समाचार पत्र के माध्यम से डॉक्टर संजीव बजाज, पत्रकार ब्रजेश दश्य तिवारी, पत्रकार सौरभ गोस्वामी, पत्रकार संजय ताम्रकार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। हाल ही में विगत 23 दिसंबर को प्रेस क्लब के महामंत्री अंकित जैन अंतु पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। महामंत्री द्वारा जिला पंचायत ललितपुर में तैनात अंकित नायक पुत्र राजकुमार नायक की फर्जी नियुक्ति, जिसमें अंकित नायक के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी लेने का समाचार पत्र में प्रकाशित कराए गए थे, जिसका पंचायत के जूनियर इंजीनियर अंकित नायक द्वारा प्रेस क्लब के महामंत्री पर अनेक बेबुनियाद आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। यदि पत्रकार किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध समाचार लिखता है तो उस पर मुकदमा दर्ज होना अनुचित है। इससे पत्रकारों में रोष व्याप्त है। झांसी मीडिया क्लब ने चेतावनी दी है कि शीघ्र ही उपरोक्त मुकदमे में सहित पूर्व में लिखे गए नया मुकदमा को वापस नहीं लिया गया तो झांसी के पत्रकार आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देखिए, लगातार प्रदेश में पत्रकारों का उत्पीड़न जारी है और मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी बिना जांच किए पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और पत्रकारों से संबंधित जो भी मामले हैं पत्रकार लेकर के प्रशासन के पास जाते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे पत्रकार बड़े परेशान हैं और ललितपुर में ऐसा ही मामला आया कि पत्रकार द्वारा जब वहाँ पर नौकरी के मामले में फर्जीवाड़े का खुलासा किया तो इसके बाद वहाँ पे उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। और ये स्थिति है कि कोई भी आदमी निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर पा रहा है और मुख्यमंत्री के आदेश होने के बावजूद भी रातों रात मुकदमा कायम करा दिया गया। अब पूरे परिवार को उत्पीड़ित किया जा रहा है। ललितपुर में पत्रकार धरने आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में झांसी में आज ज्ञापन दिया गया है और ललितपुर से जैसा भी आंदोलन का आह्वान होगा झांसी उसके साथ में है और हम लोग कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करेंगे। हम लोगों ने मंडलायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मांग है कि ललितपुर में हमारे एक प्रेस क्लब के महामंत्री हैं उनके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा लिख दिया गया है। वो मुकदमा इसलिए लिखा गया है क्योंकि जिला पंचायत में वहाँ पर एक कोई बाबू है जो फर्जी कागजों के आधार पर नियुक्ति नौकरी कर रहे हैं, जिसका उन्होंने खुलासा किया, लगातार उनकी खबरें छापी हैं। इससे द्वेष भावनापूर्ण उन्होंने पुलिस से मिलकर बिना जांच पड़ताल किए फर्जी मुकदमा लिख दिया। हमारी मांग ये है कि मुकदमा निरस्त किया जाए, पूरे प्रकरण की जांच कर उस बाबू के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अगर सुनवाई नहीं होती है तो आगे क्या कदम होगा? आगे अभी हमारा ललितपुर के जो पत्रकार हैं उन लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है वहाँ पर। आज हम लोगों ने यहाँ पर चेतावनी दी है, अगर मुकदमा निरस्त नहीं होगा तो बड़ा आंदोलन करेंगे।